एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मरियम वहीद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और ये जो हल्का हल्का सा विंटर आ चुका है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और तो फ्रेंड्स, मैं कहाँ गायब थी इतने दिनों से। मैं कहीं गायब नहीं थी, यहीं थी बस। एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया था, मेरी सास की बहुत ज़्यादा सडन डेथ हो गई, तो हमें लाहौर जाना पड़ा। वहाँ पे ज़ाहिर है उनका फनरल उनका अटेंड किया, एक दो दिन वहाँ पे स्टे किया और उसके बाद वापस आए घर पे। और ऑब्वियसली उसके बाद कुछ मूड फिर ऐसा नहीं रहा, फिर कहीं बाहर भी नहीं निकलना हुआ। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कुछ, सो इस वजह से कुछ भी नहीं करा, ना ब्लॉग शूट किया, ना कहीं बाहर गए, ना कोई रिव्यू दिया। और जो बच्चों के लिए मैंने पार्टी अरेंज की हुई थी, ऑब्वियसली उसे भी कैंसिल करना पड़ा। सब कुछ कैंसिल किया, जो रेस्टोरेंट मैंने बुक करवाया हुआ था वो भी कैंसिल किया, और केक जहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था वो भी कैंसिल किया, वो भी सब कुछ नहीं हो सका। आई होप के अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत ही होगी। जो वही बात है ना कि इंसान तो क्या क्या सोचता है, इंसान के सोचने से कुछ भी नहीं होता। हमने तो पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ हो गया। और बस अल्लाह ताला अब जो टाइम लाए बहुत बेहतर लेकर आए। एनीवेज बहुत सीरियस बातें हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई मैं। अब थोड़ा सा हम लोग बेटर हो रहे हैं और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द आप लोगों को किसी ना किसी न्यू रेस्टोरेंट का रिव्यू भी मिलेगा और ब्लॉग्स भी मिलेंगे। और बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। जिस जिसने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर ले, मुझे नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मज़े मज़े की वीडियोस देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को आगे से आगे बताएँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी है। बहुत थोड़ा सा हल्का हल्का सा विंटर भी आ रहा है तो ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं यही सोच रही हूँ कि आई रियली नीड टू सॉर्ट आउट माई आईब्रोज, माई फेस। आई रियली नीड टू गो सैलॉन फॉर माई फेशियल, और फेशियल करवाना है मुझे क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा मेरी टैन भी हो रही है और ड्राई भी हो रही है और पिंपल्स भी निकले हुए हैं। जब से मैं लाहौर से आई हूँ, पता नहीं क्यों, दो दिन ही वहाँ पे रही हूँ, लेकिन जब से वहाँ से आई हूँ इतने ज़्यादा मुझे पिंपल्स निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे सैलॉन भी जाना है, और लेकिन जब तक सैलॉन नहीं जा रही, घर पर मैं अभी अपनी स्किन केयर करूँगी आप लोगों के सामने। और जब भी जाऊँगी तो अपनी आईब्रोज बनवाऊँगी और अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करके आऊँगी। सो मैं अपनी स्किन केयर स्टार्ट करने लगी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और सबसे पहले हम अपने बालों को जो है ऊपर करके बांध लेते हैं, जूड़ा कर लेते हैं, बन बना लेते हैं। बाय द वे मेरा हेयर कलर भी चेंज करने वाला हुआ हुआ है बिल्कुल, बालों के लिए भी मुझे सैलॉन जाना है। लेकिन बस वही बात है ना कि बस टाइम तो बहुत होता है, लेकिन बस ईशल का स्कूल, उसका मदरसा, उसकी ट्यूशन, तो उसकी वजह से जो है ना कहीं निकलना ही मेरा नहीं होता। मैं तो घर में फ्री होती हूँ, लेकिन बस उसकी वजह से ज़रा बाउंड हुई भी होती हूँ, नहीं निकलना कहीं पे भी होता। एनीवेज स्किन केयर करते हैं फ्रेंड्स। आज जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं डॉक्टर रशील के, उनकी स्किन केयर रेंज में यूज़ करने लगी हूँ अब भी, क्योंकि आजकल मैं यही फॉलो कर रही हूँ। इसका पहले तो ये ब्रश वाला क्लिंजर है, उसके बाद मिसलर वाटर है, उसके बाद इनका टोनर है, उसके बाद इनका एलोवेरा का सूथिंग एंड मॉइस्चर एसेंस स्प्रे है, और साथ इनका प्राइमर है, प्राइमर और सीरम, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं इसमें। सो आजकल मैं ये वाली स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरी स्किन पे जो है एक्ने हो जाती है, पोर्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एलोवेरा वाली सीरीज़ यूज़ कर रही हूँ इनकी।
सो फ्रेंड्स हल्का सा मैंने वेट कर लिया अपने फेस को, उसके बाद मैं इसको ऐसे निकालूंगी और जस्ट सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका एक लास्ट स्टेप बताना भूल गई थी, ये है इसका शीट मास्क, एलोवेरा शीट मास्क है ये। सो ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया, इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं इसका मिसलर वाटर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, बहुत दिन हो गए यार मैंने कोई मेकअप नहीं किया। मेरा बहुत दिल चाह रहा है अब कि मैं मेकअप करूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते तो हो ही गए ऑलमोस्ट कि मैंने मेकअप नहीं किया। सो मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी मेकअप पे बनाऊं, ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में। सो मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, मुझे कोई मेकअप रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं अभी यूज़ करूँगी टोनर। सो फ्रेंड्स अब मैं यूज करूंगी इनका स्प्रे। जो मेरे फेस पर डिहाइड्रेशन हुई हुई है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरी स्किन को एक अच्छी खासी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। जो मेरी स्किन बेजान हुई हुई थी, अब मेरी स्किन पे थोड़ी सी जान आ जाएगी। सो फ्रेंड्स मैं ये सीरम वाला पार्ट भी स्किप कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेकअप तो अभी मुझे करना है नहीं, इस वजह से मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ। इसके बजाय मैं अभी यूज़ करूँगी इनका शीट मास्क क्योंकि इस वक्त मेरे फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फेस मास्क। ओपन कर लिया है, अच्छा खासा सीरम है इसके अंदर, अच्छा खासा सीरम है, इस तरह से ये निकला। और सो फ्रेंड्स शीट मास्क जो है वो मैंने लगा लिया है और इसके अंदर जितना भी सिरम है वो हम वेस्ट नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं जाया करेंगे उसको हम अच्छे से लेके, क्योंकि इस शीट मास्क के अंदर अच्छा खासा सिरम होता है, तो उसको लेके जो हमारी जो हम नहीं लगा वो अच्छे से लगाएंगे, थोड़ा सा आइस के ऊपर भी लगा लेते हैं और अपने हाथों पर लगाएंगे, नेक पर लगाएंगे। अब देखते हैं कि वेट कितनी देर तक करना है। यू कैन चेक द ग्लो, मजे की हाइड्रेशन मिल गई है मेरे फेस को, मजे का ग्लो मिल गया है मेरे फेस को। अब मुझे एक हफ्ता और जो है सैलून जाने की जरूरत नहीं है, आईब्रोज के लिए ज़रूरत है लेकिन फेस के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फेस को हाइड्रेशन मिल चुकी है, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है मेरे फेस की। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ हाइसम को बात दिलाने के लिए, मैं हाइसम से कह रही हूँ कि आप नहा लो, बात ले लो। सो फ्रेंड्स मेरा जूस आ गया है, मैंने फूड पांडा से ऑर्डर किया था क्योंकि आजकल मैंने दोपहर का खाना जो है वो छोड़ा हुआ है और आजकल मैं ऑब्सेस्ड हुई हूँ फ्रेश जूसेस से, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल का ब्लेंड होता है, मिक्स जूसेस मैं मंगा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। हाइसम को मैंने बात दिला दिया है।
सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने फ्लेवर मंगाया है वो है, मैं खुद भूल गई, थोड़ा याद, हाँ, एप्पल, कैरेट, लेमन, पोमोग्रेनेट और एक और फ्रूट था या वेजिटेबल था। आज मैंने 5 चीज़ों का मंगाया था। मैंने कहा आज रोज़ाना मैं डिफरेंट ब्लेंड्स ट्राई कर रही हूँ जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्सचर होते हैं, और बिलीव मी, इसको पीने के बाद रात तक भूख का पता भी नहीं होता, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और आज मैंने मंगाया है, ग्रीनो से मंगाया है, और इसका नाम है माइटी चार्जर। आज जो मैं जूस पी रही हूँ उसका नाम है माइटी चार्जर। कल मैंने पिया था ग्रीनो से पावर हाउस। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे डराते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ब्लड की बहुत कमी है और तुम बहुत वीक हो, ये हो, वो हो रही हो, तुम खाती पीती नहीं हो, फ्रूट्स नहीं खाती हो, वेजिटेबल्स नहीं खाती हो। तो मैंने सोचा अब खुद कौन इतनी मेहनत करे भाई कि भाई फ्रूट्स लाए और निचोड़े और उनका जूस बनाए। सो मैंने सोचा कि बने बनाए जूसेस जो हैं, फ्रेश जूसेस जो मुझे इजीली घर पे वो डिलीवर कर जाएंगे और मैं बैठ के पी लूँगी। सो आजकल मैं ये कर रही हूँ, बस ऑर्डर कर देती हूँ, जूस आ जाता है, मैं पी लेती हूँ। सो ये 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिक्स जो है ये जूस है, और इसका टेस्ट ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी है। आइसम आ गया, आइसम को ट्राई कर रहे थे। कैप्टन में बताएं कैसा है, क्या मैं बताएं? यम्मी यम्मी। मम्मा कड़वी वाली टेस्ट आ रही है। कड़वा है थोड़ा सा। तो उसमें लेमन है, पोमोग्रेनेट है, कैरेट है, एप्पल है, लेमन। और जो 5वीं चीज़ है लिटरली। सो फ्रेंड्स, पीते पीते सारे फ्लेवर्स मुझे फील हो रहे थे, तो मुझे याद आ गया कि ऑरेंज था वो जो 5वां था। एक था नंबर 1 एप्पल, देन ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, लेमन और कैरेट। सो फ्रेंड्स, शाम में मैं खाना बनाने लगी थी, तो सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। मैं बनाने लगी थी यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यखनी चढ़ा दी थी, और आलूओं को जो है मैंने अलग से मसाला लगा के रखा था। और ये हो गया रेडी मेरा यखनी पुलाव, चिकन का यखनी पुलाव। सो फ्रेंड्स, आज हो गया है नेक्स्ट डे, और जो भी छोटा मोटा मेरा ब्लॉग जो भी बना है उसे प्लीज़ पसंद कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत एनर्जेटिक और अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।